कहानी का नाम है एक फिल्म कथा। यह रंजना और राकेश की प्रेम कहानी है। रंजना बहुत अच्छी लड़की है और उसे गाना भी आता है। राकेश भी बहुत अच्छा लड़का है। वह एक करोड़पति का इकलौता बेटा है। वह थोड़ा आवारा है क्योंकि उसे प्यार करना है, और हमारे समाज में कोई भी अच्छी स्त्री किसी शरीफ आदमी से प्यार नहीं करती। राकेश को भी गाना आता है। राकेश की एक आदत है, वह उन स्थानों के आसपास घूमता रहता है जहाँ गुंडे स्त्रियों को तंग करते हैं। जो ही किसी सुंदरी को कोई गुंडा छेड़ता है, राकेश उससे भिड़ जाता है और उसे पीट कर स्त्री को उनके घर पहुंचा देता है। एक दिन इस तरह गुंडों से घिरी रंजना को राकेश बचाता है और उसे घर पहुंचाने जाता है। रास्ते में रंजना राकेश को 17 बार देखती है और राकेश रंजना को 31 बार देखता है। तब रंजना उनके प्रति आभार प्रकट करती है और राकेश कहता है कि यह तो मेरा कर्तव्य था। इतनी ही देर में रंजना राकेश की एक बुरी आदत छुड़वा देती है। राकेश चेन स्मोकर है। रंजना कहती है यह बुरी आदत है, इसे छोड़ दीजिए। राकेश फौरन हाथ की सिगरेट फेंक देता है और सब जानते हैं कि उसने आज तक सिगरेट नहीं पी। उसका आवारापन अब सार्थक होने लगता है। राकेश और रंजना अब 5 गाने ऐसे याद करते हैं जिन्हें डेट या दुगाना कहते हैं, दुगाने कहते हैं। इन गानों में एक कड़ी नायक गाता है और दूसरी नायिका गाती है। ये गाने सीखकर वे अपने अपने घर में बैठे एक एक कड़ी गाने गाते रहते हैं। उनके हृदय मिल गए हैं, इसलिए जो ही एक गाना आरंभ करता है दूसरा जान लेता है और वह आगे गाने लगता है। अपने घर में बैठकर इस तरह 5 गाने गाकर वे एक बगीचे में मिलते हैं। वहाँ वे गाने गाते हैं और लुकाप छिपी खेलते हैं। वहाँ कोई आदमी इस समय नहीं आता क्योंकि नगर पालिका ने जो समय प्रेमियों के मिलन के लिए निश्चित कर दिया है उस समय नागरिकों को आने की मनाही है। चारों कोनों पर पुलिस तैनात रहती है। प्रेमी युगल 5वां गाना गाने ही वाला है कि कहीं से एकाएक चांद निकल पड़ता है। दोनों चांद को देखते हैं और चांदनी के बारे में एक गाना गाते हैं। गाना समाप्त होने पर वे कसमें खाते हैं कि हम एक दूसरे के होंगे, हम जीवन भर साथ रहेंगे। इस संबंध से एक और गाना गाकर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रंजना पर दुख टूट पड़ता है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जो ही माँ प्राण छोड़ती है, रंजना दूसरे कमरे में जाकर माँ की मौत के बारे में एक गाना गाती है जो उसने पहले से इस अवसर के लिए तैयार कर रखा है। रंजना के पिता बाबू हरप्रसाद को लड़की के विवाह की चिंता है। वो गरीब आदमी है, इसलिए उसके लिए अच्छा वर प्राप्त नहीं कर सकते। इधर राकेश के पिता बेटे की शादी एक रईस के घर करने की योजना बना रहे हैं। राकेश रंजना से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है, पर पिता कहते हैं कि गरीब के घर विवाह करने से उनकी इज्जत चली जाएगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है, उनका कहना है।
अब यहाँ खलनायक प्रकट होता है। सुरेंद्र सिंह एक पुराने जमींदार का इकलौता बेटा है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपार संपत्ति का मालिक हो गया है। सुरेंद्र सिंह बहुत बदमाश आदमी है क्योंकि उसकी तलवार जैसी मूंछें हैं। वह हमेशा सिगरेट पीता और सीटी बजाता रहता है। उसके पास एक बड़ा भयानक कुत्ता है। वह शराबी, जुआरी, चरित्रहीन, अत्याचारी सब कुछ है। बाबू हरप्रसाद पर उसका विद्रोह, उसका 15,000 कर्ज है और उनका मकान उसके पास रहल रखा हुआ है। वह जब 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 तब मकान बेदखल कराने की धमकी देता है रहता है। उसकी नज़र रंजना पर है। एक दिन राकेश रंजना को मोटर में घुमाने ले जाता है। रंजना मोटर की सवारी के बारे में एक गाना गाती है। बीच में मोटर फेल हो जाती है तो वह मोटर फेल होने के बारे में भी एक गाना गाती है। अब उसके पास 14 गाने हो गए हैं। राकेश भी गाने में पीछे नहीं है। वह 2 गाने आवारागर्दी के बारे में गाता है। फिर एक दिन उसे सड़क के किनारे एक गरीब आदमी पड़ा दिखता है। उसे दया आ जाती है और वह वहीं रुककर गरीब की दुर्दशा के बारे में एक गाना गाता है, जिसमें वह सामने की अट्टालिका की ओर इशारे करके कहता है, ये महल वालों देखो, तुम्हारे सामने ही गरीब पड़ा है। अब राकेश के पास भी 14 गाने हो गए हैं। राकेश का मन गरीब को देखकर बहुत दुखी हो गया है, इसलिए वह रात को एक थिएटर में जाकर नाच देखता है। एक दिन रंजना एक बार वैरायटी शो देखने जाती है। वह 3 नाच देखती है। चौथे नाच के लिए राकेश ही नर्तक के वेश में मंच पर आता है। जो ही रंजना की दृष्टि उससे मिलती है, वह उसे पहचान लेती है। दोनों मुस्कुरा उठते हैं। राकेश एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य पेश करता है जिसमें भरतनाट्यम और रॉक एंड रोल का मिश्रण रहता है। रंजना ये देखकर बहुत प्रसन्न होती है कि राकेश को नाचना भी आता है। वह उसे पहले से अधिक प्यार करने लगती है। सुरेंद्र सिंह अपने कुत्ते को साथ लेकर कई दिन से शिकार पर गया था। वह लौट आता है। अब उसे रंजना की याद आती है और वह एक दिन बाबू हरप्रसाद को बुलाता है। सुरेंद्र सिंह बाबू हरप्रसाद से कर्ज पटाने के लिए कहता है। वह फिलहाल असमर्थता प्रकट करते हैं। वह उनसे मकान छोड़ देने के लिए कहता है। बाबू हरप्रसाद अनन्य विनय करते हैं पर उस दुष्ट का हृदय नहीं पसीजता। वह कहता है कि यदि वह रंजना की शादी उससे कर दे तो वह सब कर्ज छोड़ देगा। बाबू हरप्रसाद बिना कुछ उत्तर दिए चले जाते हैं। बाबू हरप्रसाद से खाना नहीं खाया जाता। रंजना पिता की चिंता का कारण समझ जाती है और कहती है कि मैं सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो बलिदान करने के लिए तैयार है। बलिदान की परंपरा यहाँ से आरंभ होती है। रंजना इस निर्णय के बाद अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करके दुर्भाग्य का गाना गाती है। फिर वह राकेश की तस्वीर हाथ में लेकर उससे बातें करती है। दूसरे दिन रंजना राकेश को एक चिट्ठी लिखकर अपने निर्णय की सूचना दे देती है। लिखती है कि मुझे भूल जाओ। राकेश के हृदय को बड़ा गहरा धक्का लगता है। वह एक निराशा का गाना गाता है। गाने के अंत में वीर रस आता है जब वह कहता है कि एक कोमल हृदयों को कुचलने वाली दुनिया, हम तुझ में आग लगा देंगे।
रंजना की शादी की तिथि तय हो जाती है। रंजना और राकेश अपने अपने घर में बैठकर चार गाने गाते हैं, जिनमें कहा गया है कि अब तुम हमें भूल जाओ, अब हम सदा के लिए बिछुट गए। राकेश घोर निराशा में जंगल की ओर भाग जाता है, पर फिर उसे डर लगता है, इसलिए घर लौट आता है। शादी की तिथि आ जाती है। बाजे गाजे के साथ सुरेंद्र सिंह अपनी बारात लाता है। रास्ते में उसे राकेश दिखता है। वह घोड़े पर बैठे बैठे ही चेहरे पर के फूलों को जरा हटाकर राकेश को मुंह चिढ़ाता है। बारात मंडप में आ जाती है। वेदी के सामने रंजना और सुरेंद्र सिंह बिठा दिए जाते हैं। पंडित वरवधु के हाथ जोड़ देते हैं और मंत्र पढ़ने की तैयारी करते हैं। राकेश की एक खास आदत है, जब किसी शादी में शामिल होने जाता है तब जेब में 25-30 हज़ार के नोट ले जाता है। जब वह देखता है कि लड़की किसी और को प्यार करते हुए भी कर्ज के दबाव के कारण किसी और से शादी कर रही है, तो वह वही मंडप में ही लड़की के बाप का कर्ज पटाकर लड़की की शादी उसके प्रेमी से करा देता है। आज वह 50 हज़ार के नोट लेकर आया है। पंडित राकेश के प्रकट होने की राह देख रहे हैं। वह मंत्र पढ़ने में इसलिए विलंब कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि प्रेम करने वाली कन्याओं के पिता राकेश से अपना कर्ज पटवा कर लड़की की शादी उसके प्रेमी से कर देते हैं। पंडित मंत्रोच्चार करने की ही वाले हैं कि सहसा भीड़ में से राकेश सामने आता है और बड़ी दबंग आवाज में कहता है, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। एक सकता छा जाता है। सुरेंद्र सिंह उठकर खड़ा हो जाता है और कड़क कर पूछता है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? शादी होकर रहेगी, ये सांस रोकने का स्थल है, देखें क्या होता है। सुरेंद्र सिंह बाबू हर प्रसाद से कहता है कि यह सब क्या घोटाला है। बाबू हर प्रसाद को मालूम है कि राकेश 50 हज़ार के नोट लेकर आया है। वह राकेश की बात का समर्थन करते हैं। तब सुरेंद्र सिंह कहता है, तो लाओ मेरा कर्ज पटाओ। राकेश तुरंत 50 हज़ार के नोट उनके मुंह पर फेंक कर कहता है, ले अपनी धन की भूख शांत कर। इसके बाद राकेश वहीं धनवानों की हृदयहीनता पर एक जोशीला भाषण देता है। सुरेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है। वह मुकुट जमीन पर फेंक देता है, पुष्पहार तोड़ फेंकता है और दूल्हे का बाना उतार कर कोट की जेब में नोटों का बंडल रख देता है। न नोट गिनता है न रसीद देता है। बाबू हरप्रसाद भी रसीद नहीं मांगते, क्योंकि पैसा उनकी जेब से तो गया नहीं है। सुरेंद्र सिंह पाँव पटकता हुआ मंडप से बाहर चला जाता है। जाते जाते कह जाता है, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला देकर ही लेकर रहूंगा। बाबू हरप्रसाद राकेश से कहते हैं, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। राकेश संकोचपूर्वक कुछ अस्पष्ट उत्तर देता है, जिसका अर्थ है कि मैं तो इज्जत बचाता ही रहता हूँ। पंडित कहते हैं, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। यह सुनकर राकेश और रंजना वेदी पर बैठ जाते हैं और पंडित मंत्र पढ़ देते हैं। राकेश और रंजना बहुत प्रसन्न है। राकेश अब दुनिया को आग लगाने का इरादा त्याग देता है। दोनों एक बड़े मकान में रहते हैं और गाना गाते हैं। अब प्रत्येक के पास लगभग 27 गाने हो चुके हैं। पर संसार में दुख सुख और दुख का जोड़ा है। एक दिन राकेश सख्त बीमार होता है। रंजना डॉक्टर को नहीं बुलाती। वह भगवान की मूर्ति के सामने पति की बीमारी के बारे में एक गाना गाती है। थोड़ी देर बाद राकेश अच्छा हो जाता है। राकेश और रंजना अब सुखपूर्वक रह सकते हैं, पर वे नहीं रहते, क्योंकि अभी फीलिंग केवल
दो खंडे की हुई है और दर्शक भूले न होंगे कि सुरेंद्र सिंह जाते जाते कह गया था, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। अब एक रहस्य और खुलता है। सुरेंद्र सिंह के पास रंजना के कुछ पत्र हैं जो किसी दूसरे प्रसंग के हैं, पर जिन्हें वह प्रेम पत्र कहता है। वह रंजना को धमकी भेजता है कि मैं ये प्रेम पत्र राकेश को दिखा दूंगा। रंजना बहुत घबराती है और एकदम आत्महत्या करने चल देती है। आत्महत्या करने की जगह नदी का एक खतरनाक घाट है, वहाँ बिल्कुल सुनसान रहता है। रंजना घाट की ओर चली जा रही है। भारत में साधु बहुत हैं, इनसे समाज को बहुत लाभ है। इनका काम है आत्महत्या करने वाली स्त्रियों को बचाना और बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाना। भारत साधु समाज की व्यवस्था के अनुसार सुंदरियों के आत्महत्या करने के स्थानों के पास एक एक साधु छिपकर बैठा रहता है। ये 24 खंडे देखता रहता है कि कौन आत्महत्या करने जा रही है। 12 खंडे में उनकी ड्यूटी बदलती है। जहाँ रंजना डूबने जा रही है वहाँ भी एक साधु बैठा है। जो ही वह रंजना को देखता है त्यों ही एक गाना गाता है जिसमें वह संदेश देता है कि हे प्राणी, संसार तो दुख का स्थल ही है, तो हिम्मत मत हार, तेरे सुख के दिन आएंगे। रंजना ठिठक कर साधु के संदेश पर विचार करती है, पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता और वह घाट की ओर बढ़ जाती है। रंजना एक ऊंचे कगार पर खड़ी है, नीचे अधाह पानी है, हवा साय साय कर रही है। घोर सस्पेंस का क्षण है यह, क्या होगा? क्या रंजना कूद पड़ेगी? इधर वह साधु भी धीमे पग पीछे पीछे चला आया है। रंजना को नहीं मालूम क्योंकि उसने पीछे देखा ही नहीं। साधु रंजना के कूदने की राह देख रहा है। उसका नियम है कि जब तक सुंदरी कूदने न लगे वह उसे नहीं बचाता। रंजना गिरने लगती है, साधु तुरंत उसे पकड़ लेता है। रंजना मुड़ती है, साधु कहता है बेटी, साधु उसे समझाता है और वह घर लौट जाती है। साधु कुटी में लौट जाता है और रिपोर्ट लिखकर भारत साधु समाज के केंद्रीय कार्यालय को भेज देता है। रंजना पर साधु का के उपदेश का असर पड़ता है, वह सती का सहारा लेती है। सुरेंद्र सिंह की चालबाजी राकेश को बता देती है। राकेश को बहुत क्रोध आता है। वह सुरेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचता है। वहां देखता है कि सुरेंद्र सिंह मरा पड़ा है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। राकेश घबरा कर भागता है। रास्ते में उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रंजना बहुत दुखी है और दुख भरे गाने गाकर समय काटती है। राकेश पर सुरेंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चलता है। अदालत भरी है। न्यायाधीश महोदय राकेश के बयान लेते हैं। फिर सरकारी वकील सिद्ध करता है कि हत्या राकेश ने ही की है। राकेश का वकील इसका खंडन करता है और सिद्ध करता है कि हत्या किसी और ने की थी, राकेश तो वहां बाद में पहुंचा। दर्शकों में बहुत सनसनी है। तीसरी बार है सस्पेंस की स्थिति है। अब क्या होगा? क्या राकेश को फांसी हो जाएगी? न्यायाधीश फांसी की सजा सुनाने ही वाले हैं कि दर्शकों में से एक स्त्री चिल्लाती है, राकेश निर्दोषी है, हत्या मैंने की है। स्त्री की बलिदान भावना देखकर सारे दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। न्यायाधीश उस स्त्री को गिरफ्तार करने वाले ही हैं कि कहीं से भागता भागता एक आदमी आता है और अदालत में घुसकर चिल्लाता है, माय लॉर्ड, हत्यारा मैं हूँ, सुरेंद्र की सिंह की हत्या मैंने की है। सब अचंभे में है, बड़ा सस्पेंस है। इतने आदमियों को बलिदान करने के लिए तत्पर देखकर न्यायाधीश का हृदय भर जाता है और वे सबको छोड़ देते हैं। उनका निर्णय है कि सुरेंद्र सिंह ने आत्महत्या की है। सब प्रसन्न है। रंजना और राकेश अब सुखपूर्वक रह सकते हैं क्योंकि फिल्म
तीन खंडे की हो गई है।